कल हमने क्वेश्चन पूछा था दैट पेइंग केयरफुल अटेंशन टू एवरी डिटेल, मतलब किसी भी चीज की सभी डिटेल्स को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है मेटिकुलस। ये एडजेक्टिव इसका मतलब होता है अति सावधानी। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है ये जो पर्सन है ये बहुत ही ज्यादा मेटिकुलस है, क्योंकि इसको एक एक छोटी छोटी डिटेल का ध्यान देना है। और जैसे जो सर्जन होता है वो अपने काम में बहुत ही मेटिकुलस होता है, अगर थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो प्रॉब्लम आ सकती है। फियर ऑफ स्मॉल थिंग्स, मतलब छोटी चीज़ों का जो डर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं माइक्रोफोबिया। ये नाउन है, इसका मतलब होता है छोटी चीज़ों का डर। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है जो छोटा सा कीड़ा है उसे डर लग रहा है, तो इसमें एक वर्ड आया है माइक्रो और एक है फोबिया, ये रूट वर्ड है। तो जहाँ पे माइक्रो आता है उसका मतलब होता है छोटी छोटी चीज़ें, और जहाँ फोबिया आता है उसका मतलब होता है डर। एन इंस्ट्रूमेंट यूज इन साइंटिफिक स्टडी फॉर मेकिंग वेरी स्मॉल थिंग लुक लार्जर, मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो छोटी चीज़ों को बड़ा करके उसका परीक्षण करने में सहायक होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है माइक्रोस्कोप। ये नाउन है, इसका मतलब होता है सूक्ष्मदर्शी। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, इसमें भी रूट वर्ड माइक्रो आया, माइक्रो मतलब छोटा, छोटी चीज़ों को बड़ा करके जो दिखाता है वो होता है माइक्रोस्कोप। मूवमेंट ऑफ पीपल आर एनिमल फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, मतलब लोगों या जानवरों का एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है माइग्रेशन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है प्रवास। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, और जैसे कि जो साइबेरियन क्रेन होते हैं वो सर्दी में गर्मी वाली जगह में आ जाते हैं, मतलब माइग्रेट करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, जैसे जॉब लेने के लिए अपने सिटी से दूसरे सिटी शिफ्ट होना, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है माइग्रेशन। अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर, मतलब 1000 वर्ष का जो समय होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मिलेनियम। ये नाउन है, इसका मतलब होता है 1000 वर्ष का। जैसे कि कोई भी अगर जगह है वो 1000 पुरानी हो गई है तो उसका मिलेनियम सेलिब्रेशन होगा, मतलब 1000 वर्ष का सेलिब्रेशन होगा। अ प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड बाई अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे सरकार द्वारा पैसे छपाए जाते हैं वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है मिंट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है टकसाल। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है इंडिया गवर्नमेंट मिंट, मतलब कि भारत सरकार, टकसाल, जहाँ पे पैसे छापे जाते हैं। भारत में 4 जगह मिंट हैं, पहला मुंबई में, कोलकाता में, हैदराबाद में और नोएडा में। अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड अदर पीपल, मतलब एक ऐसा पर्सन जो दूसरे लोगों को अवॉइड करता है और मानव जात से हेट करता है, नफरत करता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मिसेंट्रोप। ये नाउन है, इसका मतलब होता है मानव देशी। अच्छा, इसमें रूट वर्ड दो हैं, एक है मिस एक है एंथ्रोप। मिस जहाँ आता है वो रूट का मतलब होता है हेट करना, और एंथ्रोप मतलब ह्यूमन काइंड। अ पर्सन हु लव्स मनी एंड हेट्स स्पेंडिंग इट, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो पैसों को पसंद करता है, जिसको पैसे आना अच्छा लगता है लेकिन वो इसको स्पेंड नहीं करना चाहता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है माइजर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है कंजूस। जैसे कि आप लोगों के फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा फ्रेंड होगा जिसे जिसने कभी पार्टी नहीं दी, वो कैसा है? वो है माइजर। इसके सिनोनिम्स हैं चिप्स केक, स्क्रूज, निगार्ड, पेनी पिंचर, होल्डर एसेट्रा। एन अनफॉर्सिन हैपनिंग विच क्रिएट सम डैमेज, मतलब एकदम से अचानक से कुछ ऐसा हो जाना जिससे कि नुकसान हो। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है एकदम से एक्सीडेंट हो जाना, एकदम से सीढ़ियों से गिर जाना, तो ये सब क्या कहलाता है? ये कहलाता है मिसअप। ये नाउन है, इसका मतलब होता है दुर्घटना। अ पर्सन हु डिसलाइक वुमेन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि वुमेन को डिसलाइक करता है, पसंद नहीं करता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मिसोजिनिस्ट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है स्त्री द्वेषी। अच्छा, इसमें भी रूट वर्ड मिस आया है, मिस मतलब क्या होगा? हेट होगा। और गायनी, गायनी मतलब वुमेन, जहाँ भी गायनी आता है वो वुमेन से रिलेटेड होता है। वन हु हेट्स रीजन आर्गूमेंट आर इनलाइटमेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो कि तर्क वितर्क से नफरत करता है और ज्ञान की बातों से नफरत करता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मिसोलॉजिस्ट। ये नाउन है। अच्छा, इसमें भी रूट वर्ड मिस आ रहा है, मिस मतलब हेट, लॉजी मतलब स्टडी या फिर साइंस, तो मतलब जो स्टडी से या फिर साइंस से हेट करता है वो क्या कहलाता है? मिसोलॉजिस्ट। अ हेटर ऑफ न्यू थिंग, इसमें भी हेटर आया तो मिस तो आएगा ही, तो न्यू थिंग का जो हेटर होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मिसोनिस्ट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है नई चीज़ों से नफरत करने वाला। हेल्पिंग यू टू रिमेम्बर समथिंग, मतलब कोई चीज़ याद रखने में जो हेल्पफुल होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है निमोनिक। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है स्मृति सहायक। अच्छा, जैसे निमोनिक स्पेलिंग बहुत जगह पूछी जाती है, तो इसमें हम लोग याद कर सकते हैं एम ने मोनिक, मतलब इसकी स्पेलिंग होती है एम ने मोनिक, तो एम एन ई एम ओ एन आई सी, तो आराम से याद हो जाएगी। तो ये क्या हुआ? ये एक निमोनिक हुआ।
अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल स्पेशली वन दैट मे बिकम वायलेंट, मतलब लोगों की ऐसी भीड़ जो आक्रामक हो जाती है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है बहुत ज्यादा भीड़ है, वो कहलाती है मॉब। ये नाउन है, इसका मतलब होता है भीड़। और जैसे कि मॉब लीचिंग होती है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, इसमें जो भीड़ होती है वो किसी एक पर्सन को मार देती है, वो होती है मॉब लीचिंग। अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ वर्किंग, मतलब किसी भी काम को करने का जो तरीका होता है, जैसे अलग अलग टीचर अलग अलग अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मॉडस अप्रेंडी। है नाउन, इसका मतलब होता है कार्य प्रणाली। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, ये क्या कहलाता है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो इसका मतलब आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और इसी तरीके के कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।